नमस्कार, मैं जंगीर चौहान और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। विधानसभा बायतू से बसपा पार्टी के प्रत्याशी किशोर सिंह कानूरगढ़ ठाकुर हरमन सिंह की अध्यक्षता में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पाड़ुती में बसपा कार्यालय का किया गया उद्घाटन। आइए देखते हैं रिपोर्ट। शनिवार को पाटौदी मुख्यालय पर बसपा पार्टी की तरफ से प्रत्याशी किशोर सिंह कानूड़ पाटौदी ठाकुर हरमत सिंह की अध्यक्षता में हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बसपा चुनाव कार्यालय का ठाकुर हनुमत सिंह के वार कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया। सभा को धनराज मेघवाल व चंदन कोडेसा, जोगराज मेघवाल, महावीर जी नगर, बबरू खां केसरपुरा, केराराम परिहार, मंच संचालन नरपत सिंह गेहूँ ने किया। पाटौदी ठाकुर साहब हरमत सिंह जी ने सभी का आभार व्यक्त प्रकट किया। किशोर सिंह कानोड़ के बहुमत समाज पार्टी के हाथी के निशान पर वोट देने की बात कही। हजारों कार्यकर्ताओं ने जय भीम के नारे के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे बसपा पार्टी की जिंदाबाद के नारे लगाई। दलित, शोषित, गरीब और उस हर इंसान के बारे में लिखा है जिसको मीडिया लिखने में कतराती है। राजनीति में मेरे कई मित्र हैं जो आज कई अच्छे ओहदों पर हैं, लेकिन मैंने कभी किसी मंच पर जाकर ये नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है कि वो सक्षम हैं और मेरे बोलने का फर्क पड़ेगा भी नहीं। लेकिन किशोर सिंह के लिए आज इतनी भीड़ देख के मैं सच बता रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। इस देश का कानून और इस घर में संघर्ष को मैंने करीब से देखा है। किशोर सिंह का 17 साल चाटुकारिता कहते हैं वो पत्रकारिता मुझसे हुई नहीं। किशोर सिंह जब राजनीतिक जीवन शुरू कर रहे थे तो वो जयपुर में, मैं आज सुबह ही जयपुर से आया हूँ, खासतौर पे कानोड़ आया था और फिर आप लोगों के बीच पाटौदी आया हूँ। मैं पाटौदी 2003 में आया हूँ, बहुत पहले जब मैं यही टीवी में हुआ करता था। आज उसके बाद अब आना हुआ, काफी कुछ बदल गया। लेकिन मैं तो यहाँ जितने युवा साथी खड़े हैं, आज के सोशल मीडिया के दौर पे ऐसा कोई युवा साथी नहीं है जिसने अपने घर में अपने पिताजी और दादाजी को भी फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना सिखा दिया होगा। तो ये जो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और फेसबुक के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं आप सबको बता रहा हूं कि देश में तब्दीली लाने का काम ये युवा कहीं से हुंकार भरेगा और किसी बहकावे में नहीं आएगा। आप खुद सोचिए कि जिसके घर अपने शीशे से बने वो कहीं पत्थर नहीं फेंकता। और किशोर सिंह का संघर्ष मैंने देखा है, एक मोटरसाइकिल से शुरू होकर आज ये अपनी जब आ रहा था तो ये 60-70 गाड़ियों का काफिला था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, दिल से खुशी हो रही थी।